हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल NSK ऑटोमोबाइल्स में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बजाज पल्सर NS80 क्लच को फिट करना बताऊंगा। पल्सर NS80 क्लच प्लेट, क्लच हब, क्लच सेंटर, प्रेशर प्लेट की क्या कॉस्ट है, इसके क्लच में कितना खर्चा होने वाला, कौन कौन से पार्ट चेंज होंगे, इस वीडियो में आपको पल्सर NS80 क्लच की पूरी जानकारी दूंगा। इन फ्यूचर अगर आने वाले टाइम में आपकी गाड़ी के क्लच में कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपकी गाड़ी का पिकअप डाउन है, तो आपकी गाड़ी में कितना खर्चा हुआ आपको अंदाज़ा हो जाएगा। दोस्तों यार वीडियो को लाइक कर दिया करो, वीडियो को एडिट करने में, शूट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी मिलते रहे आपके यूट्यूब पर। दोस्तों वीडियो पर एंड तक बने रहो। दोस्तों वैसे तो इस गाड़ी के पूरे इंजन में ही काम होगा, लेकिन इस वीडियो में आपको सिर्फ क्लच के बारे में जानकारी दूंगा। अगर आपको इसके फुल इंजन का वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप चेकआउट कर लेना। दोस्तों क्लच को ओपन करने से पहले आप इसका इंजन ऑयल निकाल देना। आप देख सकते हो इस गाड़ी में कुल 100 ml इंजन ऑयल निकला है। आपको इसके क्लच कवर को ओपन कर लेना है। आप देख सकते हो इसका ऑयल फिल्टर किस कंडीशन में है। मैं आपको इसकी क्लच प्लेट को ओपन करके दिखा देता हूँ ये किस कंडीशन में है। इस नट की उल्टी चूड़ी होती है। दोस्तों आप देख सकते हो इसकी क्लच प्लेट किस कंडीशन में है। इसके क्लच में काफी ज्यादा खर्चा होगा। इसकी क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, क्लच हब, क्लच सेंटर, ये सारे पार्ट्स चेंज होंगे। ये बिल्कुल खराब हो चुके हैं, इस गाड़ी में बिल्कुल भी पिकअप नहीं था। लेकिन दोस्तों इसके क्लच में आपको सारा ओरिजिनल पार्ट्स डालना है। इसके क्लच हब और सेंटर में टाइमिंग होती है, मैं आपको उसके बारे में भी बता दूंगा। क्लच को फिट करने से पहले आपको इसकी अच्छी तरह से सफाई कर लेना है। मैंने इसके क्लच के सारे पार्ट्स को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। अब मैं आपको इसके क्लच को फिटिंग करना बताता हूँ। अगर आपको इसके क्रैंक बैलेंसर की टाइमिंग के बारे में जानना है तो आप इस वीडियो को देख लेना, इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। इसके क्लच में इस टाइप के दो वार्शल होते हैं, एक मोटा और एक पतला। यहाँ पर आपको मोटा वार्शल लगाना है, उसके बाद आपको ये बुश लगाना है। इसे आप दोनों साइड से लगा सकते हो, इसका उल्टा सीधा नहीं होता है। फिर आपको इसका क्लच कटोरा लगाना है। फिर आपको यहाँ पर ये पतला वार्शल लगाना है। अब मैं आपको इसके क्लच के अंदर जो पार्ट चेंज होगा उसकी कॉस्ट और पार्ट नंबर बता देता हूँ। कोशिश करूँगा इन पार्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, आप चेकआउट कर लेना। यह है इसका क्लच हब। इसकी MRP 274 रुपये। इसका पार्ट नंबर है JE551403। यह है इसका क्लच सेंटर। इसकी MRP है 183 रुपये। प्रेशर प्लेट MRP है 197 रुपये। पार्ट नंबर है JA551419। क्लच प्लेट MRP है 939 रुपये। अगर आपको किसी भी पार्ट की जरूरत हो तो आप इस पार्ट नंबर से ले लेना। कोशिश करूंगा इन पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूं, आप चेकआउट कर लेना। चलिए अब हम इन पार्ट को फिट कर लेते हैं। प्रेशर प्लेट का आपको प्लेन वाला फेस नीचे रखना है और टेपर वाला उभरा हुआ ऊपर की तरफ रखना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है।
दोस्तों इसके क्लच अपर एक पॉइंट होता है, एक निशान होता है गोल सा, ऐसा ही पॉइंट क्लच सेंटर पर होता है। इन दोनों पॉइंट को आपको आमने सामने रखना है। एक प्लेट को आपको ऊपर वाले खांचे में रखना है। मैं आपको इसकी क्लच प्लेट को पूरा कंप्लीटली फिट करके गाड़ी का पिकअप चेक कराऊंगा। आप इस बेयरिंग को चेक कर लेना, ये खराब ना हो। आप इसके क्लच कवर की इस सील को चेक कर लेना, ये क्लच लीवर की सील होती है। अगर ये सील लीक होती है तो यहाँ पर धूल जमती है, ऑयल की सीलन आती है। अगर ये ख़राब हो तो आप इसे चेंज ज़रूर कर देना। आप इसके क्लच कवर के पैकिंग को चेंज कर देना अगर ये ख़राब हो, नहीं तो यहाँ से ऑयल लीकेज होगा। आपको इन बोल्टों को आमने सामने टाइट करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यह है इसका ऑयल फिल्टर। इसकी MRP है 51 रुपये। मैंने इसके क्लच में टोटल बजाज कंपनी का पार्ट्स डाला है। क्लच कवर पूरा कम्प्लीटली फिट हो चुका है। अब हमें इसके अंदर इंजन ऑयल को ऐड करना है। इसके अंदर आपको कंपनी का ही इंजन ऑयल ऐड करना है। दोस्तों इसका क्लच पूरा कम्प्लीटली फिट हो चुका है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो के अंदर सब कुछ समझ में आ गया होगा।
दोस्तों यार वीडियो को लाइक कर दिया करो, वीडियो को एडिट करने में शूट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दो। और अगर आपको कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। दोस्तों अगर इन फ्यूचर आगे आने वाले टाइम में आपकी गाड़ी क्लच में कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपकी गाड़ी बिल्कुल भी पिकअप नहीं है, गाड़ी बिल्कुल भी नहीं भाग रही है, तो आप इसके क्लच की पार्ट्स की कॉस्ट देख लो, इसके क्लच में कितना खर्चा होगा, इसके क्लच की पार्ट्स की क्या क्या कॉस्ट है आप देख लो। तो आप यहीं पर इस वीडियो को एंड करते हैं। गुड बाय।